हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने पिछले ही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था हमारा स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रीडम स्ट्रगल, आज उसी को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से 1857 के बाद भारत में परिस्थितियाँ बदली, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है, ब्रिटिश सरकार का शासन आता है। और ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद भारत में इतने बड़े बड़े आमूलचूल परिवर्तन अपने सिस्टम में किए जिसकी वजह से दोबारा क्रांति न हो, और सही में क्रांति नहीं हुई दोबारा, यानी चेंजेस बहुत बड़े बड़े थे। उन्हीं बड़े बदलावों में एक था कि राजनीतिक जो पार्टियां थीं, जो राजनीतिक दल थे, उनकी स्थापना की छूट देना, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल थे एक तरीके के सेफ्टी वॉल्व का काम कर सकते थे कि लोगों के अंदर, जनता के अंदर जो गुस्सा है, लोगों की भावनाएं हैं, वो सरकार तक पहुँचे और लोगों का एक एग्रेशन बाहर आए ताकि सरकार उस पर कुछ उपाय कर सके और दोबारा क्रांति जैसी घटना न हो। पहले छोटे छोटे स्तर पर बहुत सारी पार्टियां बनी जिनकी सूची आपको पिछले क्लास में दी थी। जिन्होंने ना देखा हो, वीडियो नंबर 49 आप देख सकते हैं, कांग्रेस की स्थापना और बाकी कांग्रेस के पहले के जो राजनीतिक संस्थाएं थे वो आपको बताया था। लेकिन शुरुआती जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो बहुत छोटी और क्षेत्रीय स्तर पर थी। ब्रिटिश सरकार चाहती थी ऐसी संस्था हो जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, नेशनल वाइड हो, और नेशनल वाइड होने के साथ साथ उसमें लोगों का कंपोजिशन भी ऐसा हो कि वो किसी छात्र क्षेत्र विशेष या किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व न करें, कि सरकार के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जो एक से बात करे और पूरे देश की समस्याओं के बारे में सरकार को जानकारी हो। इसी उद्देश्य से एओयूएम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बताया था कि इसकी जो स्थापना हुई थी सबसे पहले 1885 में, 1885 में, और ये स्थापना हुई थी कहाँ पर, बॉम्बे में। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी, और पहली बैठक 72 सदस्य थे। उसके बाद दूसरी बैठक होती है 86 में मद्रास दादा भाई नौरो, अरे सॉरी कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। तीसरी बैठक होती है 87 में मद्रास बद्रुद्दीन तैयब जी। चौथी बैठक होती है इलाहाबाद जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। तो शुरुआती दौर जो कांग्रेस का था, बताया था कि कांग्रेस में बहुत इलीट क्लास के लोग, अमीर वर्ग के लोग थे, तो इनके जो राजनीति का तरीका था, इनके जो पॉलिटिक्स करने का तरीका था, वो भी बिल्कुल अमीरों वाला था। एक हाई क्लास के लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, तो बिल्कुल सभ्य तरीके से राजनीति करते थे। और ऐसी कोई शुरुआती दौर में इन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए जिससे ब्रिटिश सरकार नाराज हो। सरकार के अधीन में रहते हुए संवैधानिक तरीकों से कुछ कुछ इन्होंने अपनी डिमांड शुरू की थी, और शुरुआती दौर में उनको कुछ सफलताएं मिली, हालांकि वो सफलताएं बहुत सीमित थीं। इसके बावजूद हमारा फ्रीडम मूवमेंट इसी 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू माना जा सकता है। अब शुरू तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे रियायतें मिलती गई, कांग्रेस का विस्तार होता चला गया, कांग्रेस बढ़ती चली गई। और जब 1888 के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत इन्होंने बोलनी, आवाज़ उठानी शुरू कर दी, तो सरकार का विरोध भी कांग्रेस को झेलना पड़ा। हालांकि 1888 के बाद कांग्रेस में अब नए नए सदस्य आने लगे थे, और 1890 के बाद जो कांग्रेस का विस्तार हुआ 1890s के बाद, तो अब कांग्रेस में मध्यम वर्ग के लोग आए, मिडिल क्लास के लोग। पहले कांग्रेस क्या थी, अमीरों की पार्टी थी, अमीर लोग थे, बड़े जमींदार, बड़े जागीरदार, बड़े पूंजीपति, पत्रकार, विदेशों में पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोग। लेकिन अब जब 1890 के बाद जो दौर आया जिसमें कांग्रेस का जब विस्तार हुआ, तो इसमें नए नए लोग शामिल होना शुरू हुए जो मध्यम वर्ग के लोग थे। और मिडिल क्लास के लोगों का बेस बहुत बड़ा था, भारत में मध्यम वर्ग बहुत बड़ा है, और मिडिल क्लास के लोग थोड़ी जल्दी में थे। उनको लगता था कि जो कांग्रेस पुराने तौर तरीकों से काम कर रही है उससे कुछ भला नहीं होने वाला, दो साल दस चार साल में आपको एक डिमांड पूरी करवा पा रहे, तो इसलिए हमें ब्रिटिश सरकार से एग्रेशन से अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। पुराने तौर तरीके बीत चुके हैं, अब हमें नए तरीकों से ब्रिटिश सरकार से सीधे सीधे टक्कर लेनी चाहिए, सीधे सीधे संघर्ष करना चाहिए। तो नए वाले लोग क्योंकि बहुत जोशीली बातें करते थे, बहुत जोश में हुआ करते थे, इसलिए जो जनता का झुकाव था, लोगों का झुकाव था, वो नए वाले लोगों की तरफ ज़्यादा होने लगा। और 1900 तक आते आते ये जो नए वाले लोग थे, जो जोशीले लोग थे, जिनको पुराने तौर तरीकों पर आपत्ति थी, इनसे और कांग्रेस के पुराने लोगों में मतभेद होने शुरू हो गए। लक्ष्य दोनों का एक था, लेकिन तरीके को लेके मतभेद हो रहे थे। दोनों ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे, लेकिन विरोध कैसे करना है, विरोध का क्या तरीका हो, इस पर दोनों मतभेद थे। इसी वजह से कांग्रेस में दो गुट बनते हैं। एक गुट बनता है नरम दल, जिसको मॉडरेटर्स कहा जाता था, मॉडरेट्स, और दूसरे थे गर्म दल यानी एक्सट्रीमिस्ट। तो गर्म दल जो थे वो एग्रेसिव लोग थे, और नरम दल जो पुराने तौर तरीकों से काम कर रहे थे। तो गर्म दल के जो लीडर्स थे, जिसमें तीन प्रमुख नेता जो हम लोग ज़्यादा पॉपुलर नाम सुनते हैं, लाल बाल पाल,
लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष ये भी बड़े क्रांतिकारी नेता थे। तो ये लोग गरम दल में थे, नए वाले थे। और जो पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी पीढ़ी यानी जो दादा भाई नौरोजी वाली पीढ़ी थी, जो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, डी बी नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी इन्हीं लोगों के साथ थे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जी भी नरम दल में थे, मदन मोहन मालवीय, ठीक। तो ये लोग नरम दली कहे जाते, जितने पुराने जो थे वो लोग नरम दली में आते थे, बदरुद्दीन तैयब जी वगैरह सब नरम दल में थे, सब मॉडरेट थे। अब इनकी जो रणनीति थी, जिसे बताया कि जो नरम दल था यानी जो मॉडरेट्स था, मॉडरेट्स लोग थे, इनकी जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी कि बहुत सभ्य तरीके से नीति कर आंदोलन करते थे और ये संवैधानिक तरीकों से संवैधानिक छूट प्राप्त करते थे। ये लोग अभी स्वराज की बात, मतलब कि स्वराज की बात अभी नहीं कर रहे थे, आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार से संघर्षों की बात नहीं कर रहे थे। इन्हें था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए जितनी अधिक से अधिक हमें शक्तियां मिल सकती हैं वो हमें मिल जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन को ये कई मामलों में अच्छा भी मानते थे। अंग्रेजों की जो तकनीक थी, अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, अंग्रेजों की जो संवैधानिक व्यवस्था थी, इससे ये लोग बड़े प्रभावित होते थे। तो वही कुछ चीज़ें, वैसे ही संवैधानिक व्यवस्थाएँ, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, वैसे ही चीज़ें वो भारत के लिए चाहते थे। तो वो डिमांड करते थे, भाई आपके दिन हम चाहते संवैधानिक विकास हो, आपके अधीन भारत में शिक्षा का विकास हो, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये जो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही है, देश के प्रति भावना पैदा हो रही है, इसका भी कारण अंग्रेज है, अंग्रेजी शिक्षा है, क्योंकि सारे के सारे पढ़े थे और सबने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, इंग्लिश एजुकेशन। तो इसलिए अंग्रेजों को उतना बुरा नहीं मानते थे। इनका कहना था कि जो भी भारत में नई चीज़ें आ रही हैं उसके कारण अंग्रेज ही हैं, इसलिए उन्हीं के साथ उन्हीं के संपर्क में रह के हम अपने देश को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। इनकी जो डिमांड्स होती थी, जो नरम दल वाले जो मॉडरेटर्स होते थे, इनकी जो डिमांड होती थी, इसको नरमपंथी आंदोलन भी कहा जाता है, किताबों में आप पढ़ेंगे, तो इनकी जो डिमांड होती थी वो बड़ी संवैधानिक होती थी। ये कहते थे भाई सिविल सर्विसेज में भारतीयों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, भाई भारतीयों की संख्या ज़्यादा होगी तो भारत के लोग शासन प्रशासन नौकर सही में ज़्यादा अनुभव ले सकते हैं, सिविल सर्विस में जो मैक्सिमम एज लिमिट है भारतीयों के लिए थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए ताकि भारतीयों को थोड़ी सी सुविधा हो, जो भारत में संवैधानिक स्थितियाँ बन रही, जो काउंसिल वगैरह बन रही, उन काउंसिल से भारतीयों की सीट थोड़ी बढ़ा दी जाए, भारतीयों को काउंसिल में बोलने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार दिया जाए। तो मांगे बिल्कुल साधारण होती थी और उस पर बहुत इम्पसाइज नहीं करते थे कि नहीं ये पूरी ही हो, मतलब मांग रख दी पूरी करनी ना करनी है सरकार के ऊपर, बस मांगे अपने रखते रखते थे। सरकार से कोई वैसे मान ली मांग की, सरकार ने कहा कि आपके मांगे हम खारिज करते हैं, तो कुछ नहीं ठीक है, मतलब ये लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं कर रहे थे, बोलते सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, यानी अंग्रेजों के अधीन ही भारत में जितना संभव विकास हो सकता है हो। क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी था कि ये सरकार से नहीं लड़ रहे थे, इनके न लड़ने का एक रीज़न ये भी था कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति देखी थी, जिस समय 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो उसमें बिजनौर में थे दादा भाई नौरोजी, तो देखे थे अंग्रेजों की ताकत। तो अंग्रेज तो वेट कर ही रहे थे कि अगर शक्तिशाली आंदोलन हो, हथियार उठे, तब तो अंग्रेजों को दबाने में कोई रोक ही नहीं सकता। वो भयानक तरीकों से मारा गया था, विद्रोहियों को बरेली में तोपों से बांध बांध के अंग्रेजों ने उड़ाया था। जब कर्नल नील इलाहाबाद को पार करता है तो उसने कहा था कि कोई भी इलाहाबाद का पेड़ ऐसा न बचे जिस पर विद्रोहियों की लाशें न टंगी हों, और औरतों को बच्चों को बूढ़ों को मार मार के इलाहाबाद के हर एक पेड़ पर लाशें टंगवा दी थी उसने, केवल दहशत फैला दी थी। तो इन लोगों ने अंग्रेजों की वो ताकत देखी थी, वो संघर्ष देखा था कि अभी हम सैनिक रूप से एक ताकत नहीं है जो अंग्रेजों से सीधे सीधे टकरा सकते हैं, तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है ले लेते हैं।
ये लोग थे गरम दल। अब गरम दल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो गरम दल वाले लोग थे, तो गरम दल का मतलब ये नहीं था कि लोग बोलते थे बंदूक उठा गोली मार दो, ऐसा कुछ नहीं था। गरम दल और नरम दल दोनों अहिंसात्मक आंदोलन थे, ये भी अहिंसा में विश्वास रखते थे, ये भी कहते थे कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन इनका जो डिमांड करने का तरीका था वो थोड़ा सा एग्रेशन में था। जैसे तिलक ने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे। अब ये कहते थे कि हम आपसे डिमांड करते हैं, आपकी इच्छा हो दीजिए चाहे मत दीजिए। ये कहते थे नहीं, हमने डिमांड की है, तुमको चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम जनता के बीच जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, आपके खिलाफ अखबारों में लिखेंगे, आपके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, पंपलेट छाचेंगे, आंदोलन शुरू कर देंगे। और ये कहते थे नहीं, अभी आंदोलन वाली कोई बात नहीं। जैसे एक मुद्दा उठा 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, आगे अभी टॉपिक है, हम लोग बातचीत करेंगे। तो बंगाल विभाजन में कहा कि स्वदेशी, तो दोनों लोगों ने, दोनों पार्टी ने कहा ठीक है हम स्वदेशी को फॉलो करते हैं। लेकिन स्वदेशी के साथ साथ इनका कहना था बायकॉट। बायकॉट का मतलब बहिष्कार। अब जो बायकॉट था यानी बहिष्कार करना, तो गरम दल वाले कहते थे हमें स्वदेशी के साथ बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट का मतलब है कि हम अपने देश की चीज़ें अपनाएं, ब्रिटिश अंग्रेजों के बनी हुई फैक्ट्रियों में जो चीज़ें हैं उसका बिल्कुल बायकॉट कर दें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल विरोध करना शुरू करें। ये लोग कहते थे कि भाई स्वदेशी ठीक है, लेकिन बायकॉट थोड़ा सा, बायकॉट को हिंदी में बहिष्कार बोलते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने की हालत में हम नहीं है, क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन न उस क्वालिटी का है, न उस क्वांटिटी का है कि जिस पर हम आत्मनिर्भर केवल हो सके। तो इसलिए हम स्वदेशी तो कर सकते हैं लेकिन बायकॉट हमें नहीं करना चाहिए। तो स्वदेशी और बायकॉट में लेके दोनों में टेंशन थी, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं था। स्वदेशी दोनों चाहते थे, गरम दली बायकॉट चाहते थे, बायकॉट पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उस समय बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, गरम दली चाहते थे उस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया जाए। ये लोग कहते थे कि बंगाल का मुद्दा है, बंगाल तक ही सीमित रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आंदोलन को और तेजी से पूरे देश में ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अहिंसात्मक आंदोलन चलाने में यकीन रखते थे। हर जगह ये करते थे लेकिन संघर्ष नहीं चाहते थे। ठीक, चलिए। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट उठा, लेकिन इनका क्योंकि मुद्दा ज़्यादा जोशीला था, ज़्यादा एग्रेसिव था, इसलिए लोगों की संख्या इनके साथ बढ़ने लगी। और 1900 तक आते आते ये हालत हो गई कि जब मीटिंग होती थी, जब कांग्रेस वगैरह की बैठक होती थी, तो लोग अलग अलग बैठने लगे। नरम दल वाले सब एक तरफ, गरम दल वाले एक तरफ, तो एक तरह की शक्ति का प्रदर्शन होना शुरू हो गया। 1904 आते आते ये जो गरम दल वाले लोग थे, इन गरम दलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। गरम दलियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बावजूद इसके कांग्रेस की सारी रणनीति, कांग्रेस की सारी व्यवस्था नरम दलियों के हिसाब से चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद था, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा पद होता था, कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो हमेशा मॉडरेट ही होता था, नरम दल से होता था। तो इस बात से इन लोगों को थोड़ी टेंशन हुई कि यार हमारी संख्या भी ज़्यादा हो चुकी है, हमें तरीका भी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अध्यक्ष पद किस पार्टी से है? नरम दल से। तो अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो हमें कांग्रेस का क्या बनना पड़ेगा? अध्यक्ष बनना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। अब इसी तनातनी में इन लोगों ने अब शुरू कर दी अध्यक्ष पद की लड़ाई। यानी अब अध्यक्ष पद और जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, ये इनके बीच अब लड़ाई का मुद्दा बन गया। जब हमारे, जब गरम दल के अध्यक्ष हो गए तो हमारी बात मानेंगे। इसी तनातनी के माहौल में 1905 का सेशन होता है बनारस में। अब ये जो 1905 का बनारस सेशन हुआ, इसमें माहौल बिल्कुल गर्म था, और ये था कि इस पांच के सेशन में चुनाव अगर हुआ तो गरम दली ही अध्यक्ष बनेंगे पक्का। लेकिन नरम दली भी नरम दली थे, इससे बहुत पुराने नेता थे, बहुत पुराने ढीठ टाइप के सब नेता थे। अब अंग्रेजों को घुमा फिरा के अपनी बातों में फंसा लेते थे, तो ये किस खेत की मूली थी? शुरुआत हुई सेशन की बनारस सेशन की। जब बनारस सेशन की शुरुआत हुई तो ये लोग तो बाह चढ़ा के गए थे लड़ाई लड़ने के लिए अध्यक्ष पद का। बोलने के लिए खड़े हुए गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत नामी पत्रकार थे, बोलते बहुत बढ़िया थे, हालांकि बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत संभल के और बहुत सटीक बोलते थे, और लोगों को अपने भाषण के साथ ऐसा जोड़ लेते थे कि लोग उनके साथ बिल्कुल भावुक हो जाते थे, इमोशनल कर देते थे। वही इमोशनल बहुत जोरदार उन्होंने भाषण दिया कि यहाँ हम किससे लड़ने आए, लड़ाई हमारी किससे, और लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? दुश्मन हम लोग नहीं हैं, दुश्मन कहीं और बैठा हुआ है।
और इतना भावुक ढंग से इन लोगों को समझाया बुझाया कि जब तक सेशन ख़त्म होता, गर्म दलियों को समझ में आता कि हमारे साथ क्या हो चुका है, जब तक इनको समझ में आता तब तक सेशन ख़त्म हो चुका था। और अध्यक्ष बन गए गोपाल कृष्ण गोखले, खुद ही अध्यक्ष बन के किनारे हो गोखले जी। बोले कहाँ टेंशन पड़े, किस बात की लड़ाई, अध्यक्ष की लड़ाई, हम खुद अध्यक्ष बन जाते, बताइए कोई लड़ाई है इसमें, ये कौन सी लड़ाई वाली बात। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं। बाद में पता चला कि बातों बातों निकाल के अध्यक्ष बन के निकाल दिए काम। ठगे गए बेचारे यार, ये तो गोखले जी बाजी मारती है, कोई बात नहीं। इस बार तो गोखले जी अध्यक्ष बन के भाषण देके हम लोग इमोशनल करके निकाल गए, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। अब तैयारी शुरू हुई अगली मीटिंग की। अगला साल आया 1906 का। 1906 का जो सेशन था ये होना था कलकत्ता में। अब कलकत्ता सेशन में इनकी तैयारियां फिर शुरू की। इस बार तो अध्यक्ष हमारा ही होगा। अब कलकत्ता सेशन में अध्यक्षी का मामला फंसने वाला था, और ये था कि फिर गर्म दली ही जीतेंगे। नरम दलियों ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। तो उस समय तक क्या हुआ, 1906 तक कि जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी को बताया कि इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। शुरुआत से बूढ़े थे बेचारे, सोचिए 1885-86 में ही बूढ़े हो चुके थे। 1906 आते आते रिटायर हो गए थे, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, और लंदन में इनका इलाज चल रहा था, अस्पताल में भर्ती थे, बूढ़े से थे। नरम दलियों ने क्या किया कि केवल कांग्रेस के इस कलकत्ता सेशन के लिए बीमारी की हालत में लंदन से दादा भाई नौरोजी को टांग लिया और लिया के उनको मंच पर बिठा दिया कि इस बार अध्यक्ष पद पर दादा भाई नौरोजी बैठेंगे, अगर कोई इनसे चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ ले भाई। अब सोचिए दादा भाई नौरोजी बिल्कुल बुजुर्ग आदमी, बोल नहीं पा रहे थे, अध्यक्ष के भाषण 1906 में उन्होंने खुद नहीं पढ़ा था, दूसरे लोगों ने उनका भाषण पढ़ा, हिलते डुलती हालत में बैठे हुए थे बेचारे। अब ये भाई लोग लड़ने के लिए गए थे, लेकिन लड़ेंगे किससे, बुजुर्ग आदमी जो बोल नहीं पा रहा है। तो लड़ने के लिए गए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी की उम्र और उनकी सेहत का लिहाज करते हुए फिर इन बेचारों को शांत हुआ, भाई लड़का कितना भी बदमाश आदमी हो, मान ली कोई बहुत बदमाश ही है, बुढ़े आदमी से थोड़ी कोई लड़ेगा। अभी जब गए तो थे तैयारी में, लेकिन उधर बैठ गए कौन, दादा भाई नौरोजी। तो इस बार बाजी मारे कौन, दादा भाई नौरोजी का लिहाज करके छोड़ दिया गया। पता चला अध्यक्ष फिर बन गया नरम दली, दादा भाई नौरोजी। ठीक, नौरोजी है, चलिए। अब दादा भाई नौरोजी फिर काम निकाल गए, फिर अगले साल की तैयारियां शुरू हुई कि इस बार तो पक्का गर्म दली बनेगा। और 1907 का जो सेशन होना था वो नागपुर में होना था। अब नागपुर में सेशन होना था, गर्म दलियों ने तैयारी शुरू कर दी और सोचा कि इस बार हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि ये नरम दली, क्योंकि हम लोग बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं लेकिन नरम दली कुछ ना कुछ काट निकाल देते हैं, इस बार हम चाल चलेंगे और ऐसी चाल चलेंगे जिसका जवाब इन नरम दलियों के पास न हो। गर्म दलियों ने सेशन शुरू होने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि इस बार हमारे सेशन के जो अध्यक्ष होंगे बाल गंगाधर तिलक, तिलक के नाम पर गर्म दलियों ने पहले मोहर लगा दी। अब जब तिलक के नाम की घोषणा हुई साथ के सेशन के लिए, तब नरम दली सही में ठंडे पड़ गए, क्योंकि तिलक उस समय के सबसे जोरदार नेता थे। तिलक आपको बता दें भारत स्वतंत्रता संग्राम में शुरुआती दौर में, हमारे पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाला सबसे पहले नेता अगर कोई था तो बाल गंगाधर तिलक। नेताओं की जेल यात्रा तिलक ने ही शुरू की थी, सबसे एग्रेसिव लीडर थे और बहुत जोरदार भाषण देते थे, बहुत जोशीला भाषण देते थे, बहुत अच्छे पत्रकार भी थे, उन्होंने कई सारे अखबार चलाए। तो एक बार उन्होंने अपने अखबार में, केसरी उनका एक न्यूज़पेपर था, तो केसरी नाम के अखबार में उन्होंने एक बार गीता के उपदेश की व्याख्या कर दी अपनी भाषा में कि जब धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर हाथ उठा सकता है, तो जब 30 करोड़ भारतीय अपने 60 करोड़ हाथ उठाएंगे तो इन मुट्ठी भर अंग्रेजों को फूंक मार के उड़ा दिया जाएगा। वो इतना जोशीला लिख दिया कि दो लड़के सही में गए जाके ब्रिटिश अफसरों की हत्या करते और जोश में लिखते थे। तो तिलक का कोई तोड़ इन लोगों के पास नहीं था, क्योंकि तिलक सबसे तेज तरह सबसे जोरदार नेता थे और इनकी कद का कोई नेता इनके पास नहीं था, क्योंकि तिलक की पॉपुलैरिटी उस समय अपने चरम पर थी, तेज नेता थे। अब ये पक्का था कि तिलक बन रहे। नरम दली फिर भी नरम दली थे, पुराने ही सब नेता थे, इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे।
तिलक को बाहर करने के लिए इन सबों ने दूसरा पैंतरा मारा। इन्होंने क्या चाल चली कि उस समय जैसे एक स्टेट हुआ करता था बॉम्बे, बॉम्बे का ही एक शहर था सूरत और बॉम्बे का ही शहर था कोल्हापुर। इसी कोल्हापुर से रिलेशन था इनका तिलक का, तिलक कोल्हापुर से रिलेशन रखते थे। अब पता चला नागपुर में सेशन होना था। अब उस समय कांग्रेस का एक नियम था कि जिस राज्य में कांग्रेस का सेशन होगा यानी जिस राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन होगा उस राज्य का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा। था ये सेशन, नागपुर में सेशन था तो तिलक की उम्मीदवारी घोषित कर दी। सेशन से एन पहले, ठीक कुछ ही दिन पहले, एकदम एन मौके पर नरम दलियों ने सेशन का वेन्यू चेंज करके कर दिया सूरत कि अगला अधिवेशन कहाँ होगा, सूरत। अब सूरत भी बॉम्बे में, तिलक भी बॉम्बे के, तो तिलक की उम्मीदवारी ऑटोमेटिक कैंसिल। कब तिलक तो लड़ ही नहीं सकते। अब इन बेचारों ने बड़ी उम्मीद से तिलक को खड़ा किया और नरम दलियों ने ऐसी चाल चली, वेन्यू चेंज कर दिया कि तिलक बिना लड़े ही मैदान से बाहर। अभी तो सही में मूड खराब हुआ गरम दिल में, गए तो हद हो गई, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं भाई, सब ऐसी चाल चले कि बिना लड़ाई हमको तिलक को बाहर कर दे, जबकि तिलक को हराने वाला कोई था ही नहीं। बोले लड़ोगे तब तो जीतोगे, हारोगे लड़ ही नहीं सकते। अब जब केवल इसलिए उस वेन्यू चेंज किया गया कि तिलक को चुनाव लड़ने से रोका जा सके, तो इस बात से जो गरम दलित थे सही में गरम हो गया, अब बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। सेशन शुरू हुआ, बोले चलो पहुंचते हैं सूरत। सूरत पहुंचे, सेशन शुरू हुआ। हालांकि तिलक अभी भी बातचीत करने के मूड में थे, तिलक का कहना था कि चलो हमें नहीं तो लाला लाजपत राय को बना दिया, लेकिन नरम दली मानने को तैयार नहीं हुए। नरम दलियों ने एक अपना नेता खड़ा कर दिया, रास बिहारी घोष, कि रास बिहारी घोष इस बार अध्यक्ष बनेंगे। और जबकि तिलक कहे हमें आप नहीं चाहते तो आप लाला लाजपत राय को बनाइए, नहीं माने। इसी बात पे गहमागहमी बढ़ गई, गहमागहमी बढ़ी, फिर बहस शुरू हुई, बहस में उसी में गाली गलौज हो गई। तब तक किसी ने नकेल लिया, मारपीट शुरू हो गई। अब कुर्सी टेबल जूता चप्पल पूरा कांग्रेस का पंडाल जो था अखाड़े में कन्वर्ट, भीषण युद्ध शुरू हो गया। आपस में तो मारा मारी किए ही लोग, जो मंच बड़े बड़े नेता थे उन सबों को भी, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा, या उन लोगों को भी जूते चप्पल फेंके गए। तो उसी समय जो मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जिसमें फिरोज शाह मेहता, रानाडे जैसे लोग थे, फिरोज शाह मेहता बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, बहुत बॉम्बे के उस समय सबसे बड़े वकीलों में एक थे, उनकी बड़ी इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, बहुत नामी व्यक्ति थे। और उस समय तक कांग्रेस की जो सिचुएशन पोजिशन थी, कांग्रेस एक पता है ना अंग्रेजों की नज़र में एक ठीक पार्टी थी, और ब्रिटिश अफसर भी कांग्रेस के सेशन में आते थे। जैसा कि बताया कि 1886 का सेशन हुआ, खुद वायसराय ने कांग्रेस के डेलीगेट्स को इन्वाइट किया था। तो यहाँ भी सूरत में भी कांग्रेस कुछ ब्रिटिश अफसर थे वो आए हुए थे, कुछ यूरोपीय पत्रकार थे वो लोग देख रहे थे। अब पता चला वो लोग, ये लोग वो इन लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, बिल्कुल डिग्निटी मेंट करती है, सभी लोगों की पार्टी है, सभी तरीके से राजनीति कर रही है। ये लोग अंग्रेजों को दिखाते थे अपनी अच्छाई। और पता चला उन्हीं के सामने मारपीट जूता चप्पल चल रहा है धुआंधार। तो फिर उस समय तब बहुत नाराज हुए, बिल्कुल गुस्से में खड़े हुए मंच पर तम तम आए हुए, और उन्होंने अपील करनी शुरू की, भाई बैठिए आप लोग क्या कांग्रेस की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगा रहे हो। वो भी बॉम्बे के रहने वाले, बोले हमारे घर में आके ही तुम लोग जूता चप्पल चल रहे। तो अभी मंच पर से खड़े होकर बिल्कुल गुस्से में शांत कराने की कोशिश फिरोज शाह मेहता कर रहे थे, तब तक उसी भीड़ में से कोनो क्या किया कि एक तो 9 नंबर का कोला पूरी चप्पल तड़ाक से फिरोज शाह मेहता के गाल पर पड़ा, जोरदार माथा झन्ना आ गया उनके, बहुत जोरदार आया था चप्पल। अब वो और टेंशन में आ गए, एक तो यार कांग्रेस की इज्जत प्रतिष्ठा हम देख रहे, पता चला हम ही को सब नहीं छोड़े। अब सारा बवाल एक तरफ, फिरोज शाह मेहता ने चप्पल रख लिया अपने सामने, बेटा इतनी कित को हिम्मत होगी हमको चप्पल मार दें, चप्पल वाले को तो छोड़ेंगे नहीं। गेट बजा के जहाँ कांग्रेस गेट बजा के चप्पल लेके बैठ गए कि नाप करेंगे हाई किसकी चप्पल। धीरे धीरे करके बलवा शांत हुआ, लोग अपने अपने घरों को निकलना शुरू किए, और ये भाई जो है चप्पल वाले को ढूंढ रहे थे। बहुत देर बाद निगाह गई कि तिलक के एक ही पैर में चप्पल था, धरे गए तिलक। और सबसे बड़ी बात, तिलक कहाँ के थे, कोल्हापुर के, और चप्पल भी कौन सी आई थी, कोल्हापुर। धर लिए कि बेटा तुम ही चप्पल मारे, तिलक ने कहा भाई हम तुम्हारे नहीं, बोले ना बेटा तुम्हारे ही चप्पल है।
आप सोचिए, वो जो तिलक का चप्पल पकड़ाया, तिलक का चप्पल धराया, वो एक चप्पल तिलक के कैरियर पर कितना भारी पड़ा कि कांग्रेस के, आपको बता दें ये फैक्ट है कि कांग्रेस के सारे छोटे बड़े नेता, सारे छोटे बड़े नेता कभी न कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तिलक इकलौते ऐसे नेता रहे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बनने ही नहीं दिया इन सबों ने, बेटा चप्पल मारते जिंदगी बर्बाद कर दी। और जब तक ये बुढ़े लोग जिंदा थे, ये फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, रानाडे, गोखले, इन लोगों ने मिलकर तिलक को तो कांग्रेस में घुसने नहीं दिया था। जब बूढ़े लोग मरे हैं तब जाके तिलक की एंट्री हुई। जब तक ये सब जिंदा थे, 1915 में फिरोज शाह थे, 1915 में फिरोज शाह की मौत है, तिलक ने बहुत प्रयास किया इसके बाद, लेकिन फिरोज शाह 1915 तक जिंदा थे। अब 15 तक के तिलक को तो कांग्रेस में फटकने नहीं दिया, बेटा चप्पल मारे हो कैरियर बर्बाद कर दें। तो इसको लिख लीजिए, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जबकि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में जेल जाने वाले सबसे पहले नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक ही थे, सबसे ज्यादा। खैर, अब मारपीट हो गई थी, तनातनी चली रही थी, मारपीट हो ही गई। अब जब मारपीट हो गई तब कांग्रेस का एक साथ रहना संभव नहीं हुआ, और यहीं पर कांग्रेस का क्या होता है, पार्टीशन, बंटवारा, कांग्रेस यहीं पर टूटती है, दो हिस्सों में बंट के अलग हो जाती है। अब यहाँ पर अंग्रेज बैठा हुआ है ऊपर, ब्रिटिश। अब अंग्रेज किसका फेवर करेंगे भाई, अंग्रेजों को तो फेवर किसका करना होगा, नरम दलियों का, क्योंकि नरम दली अंग्रेजों के पक्ष लेते थे। तो इस मामले में अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी पक्ष लिया नरम दलियों का। गरम दलियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया और टारगेट बना दिया कि भाई इन लोगों को तो छोड़ना नहीं, जो जहां जैसे मिलता गया धर पकड़ के अंदर चलते चले गए। और सबके निशाने पर थे बाल गंगाधर तिलक, तिलक ही मेन कल्प्रिट, उन्हीं को सब टारगेट बनाए। और तिलक को पकड़ना बहुत आसान था भाई, तिलक विद्रोही काम करते ही थे, जोरदार लिखते ही लिखते थे। तो तिलक का एक पुराना जो है कि मुकदमा खोला गया कि भाई तिलक ने लोगों को भड़काया है, हत्या के लिए उकसाया है। और ब्रिटिश सरकार ने 1908 में तिलक को अरेस्ट किया और उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा लगी 124A, IPC 124A, IPC यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता IPC। तो ये जो भारतीय दंड संहिता 124A है, ये लगता है किसके लिए, राजद्रोह के लिए। तो तिलक आज भी, जैसे अभी आपने सुना होगा कन्हैया के ऊपर, कन्हैया कुमार के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा था, तो राजद्रोह के लिए अभी भी IPC 124A लगता है। तो ये तिलक के ऊपर लगा और तिलक को अरेस्ट करके भेज दिया गया मांडले जेल, जो मांडले है ये म्यांमार में है, म्यांमार या इसी को बर्मा भी कहा जाता है। तो ये तिलक कहाँ भेज दिए गए, मांडले जेल, और इनको अरेस्ट किया गया था 6 साल के, 6 साल ये मांडले जेल में रहे। और यही मांडले जेल में कि तिलक ने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। तो जो गीता रहस्य आप देखते हैं, ये तिलक की बड़ी पॉपुलर किताब है, ये गीता रहस्य तिलक ने इसी दौर में लिखा था मांडले जेल में। 6 साल की कैद हुई, 8 में कैद हुए थे, तो छूट के कब आएंगे, 1914 में। तो गए थे तो गरम दल के थे, आए तो नरम दल के हो गए थे। 14 में जब छूट के आए तो वापसी में इन्होंने फिर से प्रयास किया कि कांग्रेस में शामिल हो जाए, नरम दल गरम दल एक हो जाए, लेकिन बताया कि ये लोग जिंदा थे, जो चप्पल खाया है वो तो छोड़ेगा नहीं। फाइनली जब 1915 में फिरोज शाह मेहता मरे, तब तिलक की वापसी 15 में हुई, नहीं तो इन सबों ने छोड़ा नहीं। खैर, तो ये तो कहानी थी तिलक की। अभी तिलक के बारे में और भी कई सारे फैक्ट आएंगे, वो हम लोग आपको देखेंगे। तो यहाँ पर खैर आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जब कांग्रेस टूटी, दो हिस्सों में बटी, इनको निकाल, जब गरम दल ही ज़्यादा थे, एग्रेसिव थे, नरम दल ही बूढ़े लोग पुराने बचे, तो कांग्रेस बिल्कुल सुस्त पड़ गई, नरम पड़ गई, वैसे ही नरम नाम था, नरम पड़े। आपसी लड़ाई किसकी हुई, नरम दल और गरम दल की, फायदा किसको हुआ, ब्रिटिश सरकार। तो इनकी आपसी लड़ाई ने फायदा सीधे सीधे अंग्रेजों को पहुंचा दिया। इसी बात का ध्यान बाद में आगे हम लोग जब फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ेंगे, जब गांधी जी आएंगे, तो गांधी जी ने इसी बात का ध्यान रखा था, तो तोड़ने से पहले ही जोड़ लेते थे, क्या बेटा इनको फायदा ना उठाने दिया जाए। खैर, वो आगे की बातें।
तो यहाँ पर आपको बताया कि जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट 1850 में बिल्कुल धीमे से स्वतंत्रता संघर्ष जो कांग्रेस ने धीरे से शुरू किया और शुरू करके धीरे धीरे अभी स्पीड पकड़ ही रहा था, लेकिन आपसी गुटबाजी की वजह से ये टूट के बिखर गया, यानी हमारा स्वतंत्रता संग्राम कमजोर पड़ा, टूट गया। लेकिन कमजोर पड़ा लेकिन रुका नहीं, स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। कांग्रेस भी कमजोर हुई जरूर लेकिन रुकी नहीं, कांग्रेस के सेशन बिल्कुल रेगुलर लेवल पर चलते रहे थे और फ्रीडम मूवमेंट भी स्लो हुआ लेकिन चला, धीरे धीरे आगे घिसकते हुए आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पर दोनों चीज़ चल रही, फ्रीडम मूवमेंट भी हमारा चल रहा है, साथ ही साथ हम लोग कांग्रेस भी देख रहे हैं। तो अब हम लोग कांग्रेस के, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट साथ साथ चलेगा कांग्रेस के अधिवेशन भी चलते रहेंगे, तो हम लोग पहले कांग्रेस का अधिवेशन कर लेंगे। कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशन आपको बताया था 85, 86, 87, 88 इधर 5, 6, 7, तो कांग्रेस के जो सेशंस हैं, कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं, तो उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले इसी को कंटिन्यू करते हुए, 7-8 ऐसे करते हुए, पहले कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेशन हैं उनके ऊपर हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको हम लोग देखेंगे, फिर अपना जो फ्रीडम मूवमेंट यहाँ तक हम लोग लाए हैं इस स्वतंत्रता संग्राम को हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी पहले कांग्रेस के अधिवेशन, फिर स्वतंत्रता संग्राम, हम लोग फिर वापस लौट के आएंगे और फिर यहीं से फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अपने फ्रीडम मूवमेंट के अगले दौर में, जब कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे फ्रीडम मूवमेंट जो इसके आगे, यहाँ तो थोड़ा कमजोर पड़ गया। तो देश है, लड़ाइयाँ हुई और ये चीज़ें हमें यही सिखाती हैं, आपस में नहीं लड़ने का फ़ायदा अंग्रेज उठा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।